खबरीवा जिले से है, जहां खनिज पदार्थ के अवैध उत्खनन तथा परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशों के अनुसार खनिज राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। इस क्रम में गत रीवा गोविंदगढ़ मार्ग में वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान 4 वाहनों को ईटीपी में दिखाई गई मात्रा से अधिक मात्रा में रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। जिला खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित ने बताया कि जब्त वाहन गोविंदगढ़ पुलिस को सौंपे गए। खनिज तथा पुलिस विभाग के संयुक्त दल ने हनुमना मार्ग एवं इलाहाबाद मार्ग पर भी वाहनों की जांच की। जांच के दौरान 3 हाईवा ईटीपी में दर्ज की गई मात्रा से अधिक मात्रा में परिवहन करते हुए पकड़े गए। इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर संबंधित थाना क्षेत्रों में वाहनों को जब्त कर खड़ा कराया गया। सभी 7 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। खनिज अधिकारी ने कहा कि परिवहनकर्ता निर्धारित मात्रा में ही खनिज पदार्थों का परिवहन करे, ओवरलोड वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुंदर गहने लाए दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।